हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और आप कैसे ठीक कर सकते हैं नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को रेडमी फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे। इस पर जाकर अपने फ़ोन में आप नेट नहीं मतलब चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके सेटिंग्स आ रही हैं, जहाँ से जैसे नेट नहीं चलता आपके फ़ोन में, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए बस आपको जाना होगा कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स पे, और कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाएंगे तो वहाँ पर रीसेट कनेक्शन एंड नेटवर्क सेटिंग्स के ऑप्शन से आपके फ़ोन पे आ जाता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपने फ़ोन में नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। ओके करते ही इंटरनेट सेटिंग्स आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होते ही आप इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं रीसेट करके। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेते जा करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो